गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर जिंदगी, लुक एट दिस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, सीन्स कुछ ऐसे कि यहाँ पे इस वक्त लगी हुई लाइन, सुबह का बज रहा है तकरीबन 7:15। अब हम डलवाएंगे पेट्रोल, उसके बाद भूख लगी है, कुछ खाएंगे, फिर 2 घंटे के बाद दवाई खानी होती है, तो बस यही सीन्स चल रहे हैं अभी। तो चलो आगे आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है। गरम गरम पुलाव निकलते हुए देखना हलीम, चलो दिखाते हैं। अब करा लिया फ्यूल अप और जा रहे हैं टूवर्ड्स कालू भाई, नाम नहीं सुना तो सुन लो, शाफैसल कॉलोनी नंबर 3 में एक हलीम और पुलाव मिलता है। अगर कभी भी सुबह सुबह फारिग हो, कहीं जा रहे हो, एयरपोर्ट का रास्ता हो, तो लाजमी ट्राई करना शाफैसल कॉलोनी 3 नंबर में। अच्छा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वो एक बहुत निचले तबके से मेहनत करके ऊपर आए, तो मैंने सोचा बता दूं। अगर कभी सुबह का टाइम हो, नाश्ते का मूड हो, अच्छे चावल, अच्छा गोश्त और हलीम खाना हो, तो शाफ़ज़ल कॉलोनी 3 नंबर आके किसी से भी पूछ लेना कालू भाई का हलीम और पुलाव कहाँ मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगा। पीछे गाड़ी लाइट मार रही है, तो चलो हम अपना काम करते हैं, वो बहुत जल्दी है। अच्छा, ये आ गए हम। ओए ओए, हलीम की देख चेक कर रहे हो, मतलब इसके अंदर कितनी किलो हलीम होती होगी, कितनी किलो हलीम होगी भाई इसमें? 200 किलो हलीम सुबह सुबह, ओके हो गया। तो चलो फिर एक काम करते हैं, 200 किलो हलीम का पतीला और उसके साथ पुलाव, और पुलाव के पता नहीं कितने पतीले आएंगे पता नहीं, लेकिन पुलाव जो है वो खोलना पड़ेगा, अभी देखते हैं। खोलें, और ये आ गया पुलाव गर्मा गर्म, इसको करते हैं एंजॉय, फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है, खाना खाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि शाफैसल कॉलोनी, अगर कभी भी कहीं से भी गुजर रहे हो तो शाफैसल कॉलोनी अंदर आ जाए, 3 नंबर, 3 नंबर पे चौरंगी आएगी, चौरंगी से किसी से भी पूछ लें कि हमारे जो कालू भाई का पुलाव हलीम है वो कहाँ मिलता है, तो आपको बड़े मज़े का एक पुलाव हलीम, एम्बियंस का मुझे नहीं पता किस किस्म का क्या होगा, ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि मज़ा बहुत आएगा आपको, जायका नेक्स्ट लेवल और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम वो खाएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। नबील मेरे साथ मौजूद है, ज़ुबैर मेरे साथ मौजूद है, अलन मेरे साथ मौजूद है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, हलीम आ जाए ना अगर मज़े का, जिस तरह का हलीम लगा हुआ है एक प्लेट में आ जाए, तो मैं आपको चेक कराऊँ कि हलीम हो कैसा रहा। ताज़ा ताज़ा हलीम जो है वो निकलना शुरू हो रहा है, और 200 किलो हलीम, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। ओके, ये है सीन। इसके साथ जो है तमाम किस्म की जो लवाजमात हैं जो हलीम के साथ होने चाहिए वो सारे के सारे मौजूद हैं। लेमन है, प्याज है, ब्राउन प्याज, ब्राउन प्याज हल्का सा डालो, हल्का सा ब्राउन प्याज डालो, एक लीमू रखो और हल्की सी मिर्ची डालो। ये आप देख रहे हैं कैसी प्लेट तैयार हो रही है, उफ ओ कमाल ही हो गया। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर हैं वो देखो और इसको एंजॉय करो। मैं लेके जाता हूँ इसको अंदर की तरफ ऐसे, और अब जो है वो यहाँ पे आ गया हमारा हलीम और पुलाव, अब हम निकलवाने जाएंगे। पुलाव को जो है वो काटना कर दिया शुरू, और अब जो है वो नेक्स्ट लेवल सीन स्टार्ट होगा। मुंह में पानी ख़तरनाक अंदाज में, मतलब समझ रहे हो, इस पतीले के पास खड़े होकर भूखे रहना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब मैं तो करूँ अगर पतीला कटी रहा है तो फिर बंदा खा खू के सारे। टेंडर मीट, अब जो है हम आ गए हैं कालू भाई के पास, रायता बना रहे हैं। उस्ताद असल में यही है, मतलब ये असल में इन्हीं का है, तो अब इनकी स्पेशल जो है वो रायता तैयार हो रहा है। आप दही देखें कितनी खाली, समझ रहे, मतलब पुलाव, पुलाव के साथ बेहतरीन रायता, उसके साथ हलीम, सीन ही अलहदा हो जाएगा। अब जो है वो दही की दूसरी थैली में जाना शुरू। भाई तुम हंसे क्यों, तुम रीजन बता दो, तुम बता दो, एक दफा करो, तुम सच बोलो भाई, नहीं बोल रहे, सच नहीं बोल रहा, ठीक है भाई, वो बोल रहा है सच, वच नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। लेकिन आप भी सुबह सुबह पुलाव खाने हैं या हलीम? पुलाव मुझे हलीम ज़्यादा पसंद है। आइए सर, इधर की तरफ आइए। आगे 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 आगे, ये भी हो गया ज़बरदस्ती। तो आप डल गई इस मसाले के अंदर दही, यहाँ पे जो है वो पुलाव निकल रहा है, तो सीनी कुछ और हो गया है। तो बस अब जब निकलेगा पुलाव हमारे प्लेट में और थाल में तो हम खाएंगे, और अब ये निकलना शुरू हो गया।
साफ बोटियाँ और सादे चावल, क्योंकि मुझसे मसाला बिल्कुल नहीं खाया जाता, मैं रवाज नहीं खाता, साफ बोटियाँ। बाकी जो उन लोगों के लिए बनेगा थाल, उसमें रवाज ववाज डाल देना। ओके, सीन हो गया। अब हलीम के साथ इसको खाएंगे, मज़ा आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बल्कि वो भी दिखा देता हूँ आपको, हाथ के आती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखाओ इसको, एक मिनट, रायता बाकी वाले में डालना। बहुत सारे लोग ऐसे लेके जाते हैं इसको पुलाव को, और बोलते हैं यार इस पर थोड़ी सी हलीम डाल दीजिएगा प्लीज़। तो वो उस पर ना ऐसे करके हलीम पुलाव पर डल जाती, बिल्कुल ही अलग सीन हो जाता। अब हो गया ये सीन और अच्छा मजेदार। कल्लू भाई, मैं जा रहा था लांडी। हाँ, तू भी जा रहा था थी ना। अच्छा, अब इधर जो है हमारा आ गया पुलाव, इधर आ गया मसाला, हलीम जो है वो खत्म ही कर दी। हलीम खा गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त भाई। ओके, प्याज आ गई, चटनी आ गई। भाई इन लोगों को ला दो, मैं नहीं दूंगा इसमें, मैं भी बता रहा हूँ मैं नहीं दूंगा, इनके लिए ले आओ। हुई मज़ा आ गया। मेरा असल में मुंह थोड़ा दवाइयों की वजह से बहुत बुरी हालत है, लेकिन मज़ा आया। अगर पेप्सी हो ठंडी यख तो और मज़ा आ जाए। अब देखते हैं क्या सीन है। पेप्सी, रोटी भी आ रही है, हलीम रोटी खाते हैं। अच्छा जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम सुबह से जो है वो निकले हुए थे, हमने एक जगह पुलाव खाया, फिर हलीम खाई, फिर ऑल टाइम फेवरेट हाजी असलम, मैं यहाँ का मटन कीमा बहुत शौक से खाता हूँ, मूंग की दाल बहुत शौक से खाता हूँ, दाल माख बहुत शौक से खाता हूँ, तो मैंने मंगा ली। जब यहाँ हम पहुँचे नहीं थे तो कहीं पर हम बिरयानी खा रहे थे। अब सारे बोलेंगे कितना खाते हो यार, हम बहुत खाते हो। अब जब हम बिरयानी खा रहे थे तो ये दो लोग थे, कहले कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, मोटे हो रहे। अदील भाई क्या कहोगे? दोनों नहीं, सर्दी की वजह से नहीं पी रहे थे। सर्दी की वजह से नहीं पी रहे थे, ये अंदर है इसलिए पी लिया। हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडोर जो है फैमिली सेटअप है तो बस इसलिए पी लिया, वरना ये लोग पीते नहीं। आप लोग पीते नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। बाप भाई ओवर ईटिंग हो गई है। ओवर ईटिंग हो गई है, ठीक है, इसलिए पी लिया। अच्छा जी, खाना हो गया डन, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अदील भाई ये आप देख रहे हैं, ये चार पेप्सी के छोटे छोटे से गिलास बनाए हैं खाने के बाद। इसकी कोई खास वजह? वो कल मैं फिल्म देख रहा था गोविंदा की, मतलब और कोई वजह नहीं है। आपको क्या लग रहा है क्या होगी? नहीं, मतलब अच्छे लग रहे हैं। एक पेप्सी मंगाई हमने ये वाली, और इनको चार गिलास में कन्वर्ट कर लिया, इसमें क्या है फिर मसला? हम वो नहीं करेंगे ना, चीयर्स नहीं करेंगे। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। ये है गाजर का हलवा और ये एक्स्ट्रा, मतलब व्लॉग के अलावा सिर्फ गाजर का हलवा। ये खा ले, ठीक है। अच्छा, हमने सीन ये किया कि वो गाड़ी में बैठे हैं वो लोग, और हमने उनको बोला कि आप जो है वो एक काम करो, उनसे 600 रुपये मांग लो, अन्नी सीन हो जाएगा। जाओ यार, लव यू, बोल ले, जाओ जाओ। ओए अदील का है, अदील आ जा। अच्छा जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि रिजवी फाउंडेशन के लड़के मेरे पास आए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे हो बता दो। सर अभी फ़िलहाल सबसे पहले तो जो जॉब लगवाने, जो बेरोज़गारी चल रही है, जॉब लगवा रहा हूँ सबसे पहले तो। जो लड़के, जो मेरी एज के लड़के हैं और लड़कियाँ जो हैं, जो फ्रॉड जो चल रहा है आजकल,
उनसे निकलवा के उनको एक अच्छी जॉब, एक जॉब दिलवा रहा हूँ और जो मदद कर सकता हूँ जितना मैं मदद करना चाह रहा हूँ, जिस जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी मदद कर रहा हूँ और बाकी जो मुझसे हो सकेगा जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे पेज है कहीं कोई आईडी है सर, यूट्यूब चैनल पे मेरा पेज है और अपना चैनल है मेरा रिज़वी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से मेरा चैनल है। ठीक हो गया जी, रिज़वी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से इनका चैनल है, इनको आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है ये को मैं बार बार एंड कर रहा हूँ, बार बार एंड कर रहा हूँ, ये एंड नहीं हो रहा, तो इस व्लॉग को करेंगे यहाँ पे एंड। ये क्या है जुनैद भाई? ये बहुत ये औकाब है। औकाब है जी। और ये कितना वजन होगा इस वक्त तुम्हारे हाथ पे? माशाल्लाह से 6 से 7 किलो का होगा। 6 से 7 किलो का होगा। अच्छा ओके, तो और ये इसकी खुराक क्या है, ये क्या खा रहा है? ये चिकन खाता है। हाँ, और मटन सही है और बीफ। ठीक है, ये पर खोलता है ना, अभी खोले थे उसने, ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है जी। अच्छा, अभी ये बनेगा माशाल्लाह, ये बढ़ेगा ये। ठीक है, अच्छा वैसे इसकी कीमत क्या होती है अगर ये पाकिस्तान में? ये अभी मतलब नहीं है, मतलब तो ये 1.5 लाख का लिया है। अच्छा जी, मतलब ये अंदाजन 2.5-3 लाख, 5 लाख 6 लाख 7 लाख का। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉपर ट्रेंड होगा तो हाथ पे उड़ेगा, हाथ से बढ़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ट्रेनिंग पे। चलो जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें।